रहमान रहीम नमाज़ फ़जर के लिए उठने का आसान तरीका। यानी नमाज़ फ़जर बहुत सारे लोग जो है वो ये नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, ज़ोहर असर मगरब और इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। हालांकि नमाज़ फ़जर की इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे कम रकतें नमाज़ की रखी हैं, दो रकत हैं, लिहाजा इसके उठने का बेहतरीन आसान तरीका। यानी जब तक इंसान को किसी चीज़ की मार्फत ना आए ना, उस वक्त तक उठता नहीं है। मसलन वही बंदा जब सुबह सवेरे उसने किसी काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए जाना होता है, तो वही बंदा जो है वो अज़ान फजर से पहले उठ जाता है, लेकिन वही बंदा नमाज़ के लिए उठता नहीं है। इसलिए कि उसे पता है कि अगर वहाँ मैं ना गया तो मेरा काम नहीं होगा। यहाँ उसे मार्फत नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया माफिया, यानी दुनिया में जिस कदर चीज़ें पाई जाती हैं ना, ये अगर इंसान को दे दी जाएँ और जो बंदा सुबह की दो रकत नमाज फजर पढ़ता है, ये इन तमाम कायनात की चीज़ों से अफजल है अगर मारफत रखता है। लिहाजा उठने के लिए आसान नुस्खे बता रहे हैं। पहला ये है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोया करें, कोशिश करें बावजू होकर सोएं आयतुल कुर्सी, और इसके साथ साथ जल्दी सो जाएं। यानी जो बंदा जल्दी सोता है यकीनन जल्दी उठ जाएगा। तीसरा काम ये करें कि अलार्म लगा कर सोएं और अलार्म को थोड़ा सा दूर रखें, 5-5 मिनट के बाद अलार्म जो है वो बार बार घंटी बजाएं और आप उठ जाएं। तो चौथा काम ये है कि किसी के ज़िम्मे लगा कर सोएं, यानी अगर ख़ुद नहीं उठ सकते तो कोई आपको उठा देगा। और पाँचवा यह है कि जब भी आप नमाज फजर न पढ़ सके तो जब भी आपकी आँख खुले फौरन इसकी कज़ा बजा लाएँ और सदका दें। तो यकीनन कुछ दिन आप मेहनत करेंगे, रियाजत करेंगे, तो यकीनन आप नमाज फजर के आदी हो जाएंगे।